ताजा जख्म लगा विच सीने ते कीता असर जुदाई। मैं को अज अकेला हुंदा जे हुंदा मेरा भाई। हर कम अंदर वीर प्यारे याद शताबिया होवे कदर मालूम हो दो जद कबरां विच जावण। रोवे बिन्यामीन कलोता ते पेश न जावे काई। दर्द पेराकों हिंजू बरसणे ते बोले भाई भाई। اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। اللهم ربي زدني علما। اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم। قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين। सानू तेरिया पनावां दिए लोड़ मालिका, मल्ली बैठाए शतान हर मोड़ मालिका। सानू तेरिया पनावां दिए लोड़ मालिका, मल्ली बैठाए शतान हर मोड़ मालिका। साडा खालक ते मालक तू अरश वालिया, साडा दाता ते राज़िक तू अरश वालिया, साडा खालक ते मालक तू अरश वालिया, साडा दाता ते राज़िक तू अरश वालिया, साडा जोड़िया तू एक एक जोड़ मालिका। मल्ली बैठाए शैतान हर मोड़ मालिका, सानू तेरिया पनावां दिए लोड़ मालिका। मल्ली बैठाए शैतान हर मोड़ मालिका, ते मैं मन्या तेरे बुवे सजदा नहीं मेरा सजदा, जो तेरे लायक सजदा नहीं साडा तेरे बाजों
साडा तेरे बाजो नहीं कोई होर मालिका। मल्ली बैठाए शैतान घर मोड़ मालिका, सानू तेरिया पनावां दिए लौड़ मालिका। मल्ली बैठाए शैतान हर मोड़ मालिका, साड़ी माप तू हर एक खता कर दे, सानू जन्नत दे टिकट अता कर दे। साड़ी माप तू हर एक खता कर दे, सानू जन्नत दे टिकट अता कर दे। तेरे खजाने आज, तेरे खजाने आज, तेरे खजाने आज केड़ी कोई थोड़ मालिका। मल्ली बैठाए शैतान हर मोड़ मालिका। हर किस्म दी हमदो शाना तारीफात किबरियाई बड़ाई तन्हाई शहनशाही बादशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात पाक वास्ते खास दुरूदो सलाम सैयदुना व इमामुना इमाम कुल फखर रसूल नबी रहमत रहमत दो आलम आका कायनात हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दी जात गिरामी जिवकार मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात बुजुर्गो भाइयो नौजवान साथियो वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात पर्दा नशीं रूहानी इस्लामी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर इल्तजा है परवरदिगार आलम साडा सारियां दा अज दा इस मुकाम ते जमा होना खुतबा जुमा सुना सुनाना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा के साडे सारियां वास्ते हदायत और नजात दा सबब बनाए। जो मैं बयान करा अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे समेत सब नू सुन सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उन्होंने बरादरान दा वाकया उदिस्ता खुतबा जुमा तो शुरू किया। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के हसद का शिकार हुए। पहले भरावां खून दे अंदर सुटिया, फिर काफले के हथों फरोखत किया, फिर सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की मंडी के अंदर विके। उस तो बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अदीजे मिस्र के घर के अंदर इज्जत नल शान नल वकार नल जिंदगी दे कुछ साल गुजारे। उस तो बाद अदीजे मिस्र की बीवी दी साजिशां दा शिकार हो और बात इथों तक पहुंची सी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जदों मिस्र दियां औरतां ने वेख्या फल कटण दे बजाय अपने हथ कट लै ते सैयद आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने ओ मिस्र दियां औरतां सन उन्हां हुस्ने यूसुफ वेख्या ते अपने हथां ते छुरियां चला लईआं। अगर मुहम्मद पाक नूं वेख लैंदियां अपने कलेजियां ते छुरियां चला लैंदियां। अल्लाह ने हर नबी नूं खूबसूरत बनाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे नबी पाक ने फरमाया मैं मिराज वाली रात वेखिया इंज लगदा सी जिवें अल्लाह ताला ने अद्धा हुसन पूरी दुनिया नूं अता कीता है ते अद्धा हुसन कल्ले यूसुफ नूं अता कर। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुसन दी ताप मिस्र दियां औरतां ना जल सकियां।
बीबी ने जिहड़ियां औरत दिंदियां सन उन्हां नूं मुतमईन करन वास्ते हजरत यूसुफ नूं सामने लैके आई ते कहण लगी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम कालत फज़ालिकुन अल्लज़ी लुम तुन्नानी फी वलक़द रावतुहु अन नफ्सिहि फस्तअसम वला इल्लम यफअल मा आमुरुहु लयुसजनन वला यकूनम मिनस सागरीन। कहण लगी एहो ही यूसुफ है जिदे बारे तुसी मैनू मलामत कर दिया जे, याद रखे जे अगर इन्हें मेरा कहना ना मनिया ना जो मैं चाहनी हाँ ते मैनू जेल दे अंदर डाल दवांगी, जेल दियां सहूलतां इन्हू बर्दाश्त करनिया पैणगियां। मुफस्सिरीन लिखदे ने कि यह जिहड़ियां औरतां अजीज़े मिस्र दी बीवी दी दावत ते आईयां सन ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कहण लगियां यूसुफ जुलैखा दी गल मन लै बाकी सारी जिंदगी ऐशो इशरत दे अंदर गुजरेगी वरना जेल दे अंदर रहना पैगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैनू जेल बर्दाश्त लेकर रब दी नाफरमानी बर्दाश्त। दो चीजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने एक मासीयत और एक मुसीबत। अगर 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 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलैखा दी गल मानते ने फिर अल्लाह दी नाफरमानी हुंदी ते बदले दे अंदर ऐशो इशरत ते सारी जिंदगी दियां नेमतां बागो बहार। जे जुलैखा दी गल नूं ठुकरांदे ने फिर मुसीबत जेल दे अंदर जाना पैणा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मासीयत नहीं कीती मुसीबत उठाई, मासीयत कीती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जिंदगी दे अंदर ये सबक मिलदा है कि बंदा ऐसी जगह ते आके खड़ा हो जांदा है एक पासे मासीयत ते एक पासे मुसीबत ते, मुसीबत उठा लेनी है रब दी नाफरमानी करनी नहीं करनी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जिंदगी दा बेहतरीन सबक। साडे माशरे दे अंदर कई लोग कहंदे ने जी की करिए मजबूरी दी बुनियाद ते आ काम करना पे, मजबूरी दी बुनियाद ते फलां कदम उठाना पे, मजबूरी दी बुनियाद ते फलां काम करना पे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दसिया मजबूरी दी बुनियाद ते मुसीबत उठानी है रब दी नाफरमानी करनी नहीं करनी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो सुनिया ना ते अल्लाह दे सामने हाथ चुक लै दुआ कीती हबीब इकबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो सलाम दे सीने पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम काल रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदउननी इलैहि व इल्ला तसरिफन्नी कैदहुन्ना असबु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जागलीन। अल्लाह दे पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह दे कोल दुआ करदे ने ऐ मेरे परवरदिगार आलम मैनू आ तेरी नाफरमानी नालों चंगा लगदा है, मैं जेल दे अंदर चला जावां तेरी नाफरमानी पसंद नहीं करदा। अल्लाह मैनू जेल जाना पसंद है तेरी नाफरमानी करना पसंद नहीं। इस जिस बात वल मैनू बुला रही ने जिस बात की दावत दे रही ने अल्लाह सुने अगर तू मेरिया ना कीतियां मेरे मालिक मैं घाटा पाण वाले चो जावांगा नुकसान उठाण वाले भी चो जावांगा। अल्लाह फरमांदे ने फस्ता जा बला गु रब्बहु फसरफानहु कैदा गुन इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर दियां दुआवां नूं कबूल कीता, दुआवां सुन वाला कौन, अल्लाह कल्ला दुआवां सुन वाला कौन है। अल्लाह ए जो दिल चावे ओ मिल जावे सदा करिए ते इंजी करिए, जो दिल चावे ओ मिल जावे सदा करिए ते इंजी करिए, खुदा किस्मत
बदल देवे दुआ करिए ते इंज करिए जो दिल चावे ओ मिल जावे सदा करिए ते इंज करिए रवे ना लोड़ फिर किसे दरते चावण दी रवे ना लोड़ फिर किसे दरते चावण दी सवाली नू खैराता अता करिए ते इंज करिए सवाली नू खैराता अता करिए ते इंज करिए फस्ता जा बलागो रब हो फसरा फान हो कहीं दागुन अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर दिया दुआवां नु कबूल करा फरमा लिया और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु ऐ मिस्र दिया औरतां दे फरेब तो मकर तो बचा लिया अल्लाह फरमाते ने सुम्मा बदला हुम मिन बादी मा राउल आयात ला यस्जुनुन लहु हत्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दियां औरतां दे चर्चे आ जिहड़ा वाकई पूरे शहर दे अंदर फैल गया बंदे बंदे दी जुबान ते गल हुण अज़ीज़े मिस्र ते दीगरे दे जनाब करिंदे सर जोड़ के बैठ गए कहन लगे इंज करने आ यूसुफ नु कुछ वक्त दे अंदर जेल दे अंदर बंद कर देने आ आपे यूसुफ कोलों ज़ुलैखा दूर हो जाएगी किसे बंद हो जाणगे लोगां दियां जुबानां बंद हो जाणगियां हालां इनू पता लग गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी गलती कोई नहीं लेकिन हमेशा ज़ालिमां दा बादशाहां दा ज़ालिम बादशाहां दा वतीरा रिहा है हक वाले जुलम करना ते कायनात दे लोगों ना हक लोगों नु खुलिया छड़ देना नबी पाक ने सलातम सलाम दे सीना पाक ते उतन वाला कुरान दसदा सुम्मा बदलहुम मिम बादी मा राउल आयात राउल आयात तो मुराद हजरत यूसुफ अली सलातम सलाम दी बेगुनाही है हजरत यूसुफ अली सलातम सलाम पाक बादी ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सलाम दिया सच्चाइयां हजरत यूसुफ जेल दे अंदर चले गए ने जुर्म कोई नहीं गलती कोई नहीं कसूर कोई नहीं दुआ करो खां पाकिस्तान दियां जेलां दे अंदर जिहड़े ना हक ने अल्लाह उन्हां नूं रिहाई अता फरमाए पूरी दुनिया दियां जेलां दे अंदर मुसलमान जिथे ना हक कैद ने अल्लाह उन्हां नूं रिहाइयां अता फरमाए अल्लाहु अकबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल विच गए ने वदाखला मा उसे जना पता यान ते इसे दौरान दो जवान ऐ अदीदे मिस्र दे वजीर दे खास करिंदे एक बवरची ते एक जनाब साकी ए भी जेल दे अंदर आ गए ने इधर अदर ते यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल दे अंदर गए ने इधर कायनात दे लोग इन्हां दोवां ने ख्वाब वेखे अदर ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल आए आके एक कहण लग्या मैं जूस छोड़ ते दूसरा कह रहा मैं सिर ते रोटियां उठाइया ने ते परिंदे आके खाई जांदे ने मैनू लगदा है तुसी बड़े नेक बंदे हो सानू लगदा है तुसी बड़े नेक बंदे हो साडे ख्वाब दी को तबीर कर दियो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सना फरमांदे ने जरूर तुहाडे ख्वाब दी तबीर करांगा लेकिन तुहाडा खाना आण तो पहला उस तो पहला मेरी कोई गल सुन लो ना अल्लाह दे पैगंबर हर वक्त अल्लाह दी कसम मौके दी तलाश दे अंदर हुंदे ने मौका मिल जाए रब दी तुगीद दा पैगाम रब दे बंदियां तक पहुंचा दिता जाए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद दे सामने किन्नी वारी मौका मिलिए अल्लाह दी तौहीद दी दावत दित्ती है बाप दे सामने अल्लाह दी तौहीद दी दावत दित्ती है ते अज जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं इन्हां जवानां दे सामने अल्लाह दी तौहीद बयान करन दा मौका मिलिया ते पता की कहंदे ने या साहिबा इस्जने अरबाब मुतफर ने कूना खैरुन अमिल्लाहुल वागिदुल कक्का
मेरे जेल दे साथियों दसो ना एक अल्लाह कै बेहतरे या कई रब जड़े तुसी बनाए ने ओ बेहतरे अल्लाह अकबला इन्हां नूं रब दी तुई दी दावत दित्ती है इन्हां दे ख्वाब दी तबीर भी दस दित्ती है कहण लगे एक तुहाडे अंदरों सूली ते चढ़ जाएगा एक तुहाडे अंदरों ऐ बादशाह दा साकी बन जाएगा अल्लाह अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि तू सूली चढ़ जाएगा ते तू जनाब बादशाह दा खास बंदा ना ना बस ख्वाब दी सरसरी तबीर दसी है निशान दी नहीं कीती केड़ा बंदा सूली चढ़ेगा ते केड़ा बचेगा जेड़ा इन्हां दिनों सूली चढ़न तो बचण वाला सी उहनूं कहण लगे मेरा भी जिक्र करना बादशाह दे सामने अल्लाह अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 10 साल जेल दे अंदर गुजारे ने ना हक 10 साल जेल दे अंदर गुजारे ने इधर जनाब ऐ दोवें बंदे जेल चो निकल गए ने एक नूं सूली चढ़ा दिता गया एक जनाब बादशाह दा साकी बन गया है ते ऐ जिहड़ा सिहाक होया जिहड़ा बच गया है बादशाह दा साकी बणे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी नेकी भुल गया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा पैगाम भुल गया है एक दिन बैठिया बैठिया बादशाह कहंदा मैनूं ख्वाब आए मेरे ख्वाब दी तबीर ते दसो ना ऐ बादशाह दे दरबार दे जिहड़े करिंदे उस वक्त दे उलमा राखब अल्लाह हू अकबर इन्हां कोल इन्हें ख्वाब दी तबीर कहंदे जी तुहाडा एवें ख्यालात ने तो ख्याल आते ने ते इन्हां वल टेंशन ना लो कोई गल नहीं वैसे ही ख्वाब ने लेकिन बादशाह बड़ा फिक्रमंद है उस बंदे नूं पता चलिया कि बादशाह नूं ख्वाब आए गौर करिया दे तवज्जो करना बादशाह ने ख्वाब दसिया कि चलदा चलदा उहदे कोल गया कहंदा जी इजाजत होए ते तुहाडे इस ख्वाब दी तबीर मैं पुछ के दसां दी दसो कहण लगे जी ओ साडी जेल दे अंदर इक बंदा है बड़ा नेक बंदा है ते ओ ख्वाबां दी तबीर बड़ी चंगी करदा है इजाजत दिओ उहदे तक मैनूं रसाई दिओ रसाई दित्ती गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक पहुंचिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब दी तबीर दसी उवें आके बादशाह नूं इहने तबीर दसी ते बादशाह कहण लगा एडा नेक बंदा एडा काबिल बंदा एडा बा अमल ते इतना ज्यादा इलम रखण वाला बंदा ते जेल दे अंदर कैद क्यों है इहने जनाब भेजिया मैं इस वास्ते छाट कर रहा क्योंकि अज इंशाअल्लाह खुतबा जुमा दे अंदर मुकम्मल करना अज दा वाकिया तो जो करना रहमत गैला जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया फरमाया फलम्मा जा अगुर रसूल قال ارجع الى ربك فاسالهما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ए बंदा चलदा चलदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल गया कहण लगा यूसुफ मुबारक होण तेरी रहाई दे आर्डर आ गए ने हज़रत यूसुफ फरमांदे ने मैं इंज बाहर नहीं जाना फलम्मा जा अखुर रसूल काल अर्जे इला रब्बिका फसअलहुमा बालुन निस्वतिल्लती मा बालुन निस्वतिल्लती कत्ताना आईदिया गुन्ना पहले जा बादशाह नूं जाके कह उस मामले की तहकीक ते करे मैनूं जेल दे अंदर क्यों भेजिया सी उहनां औरतां अपने हत्थां ते छुरियां क्यों चलाईयां सन उस मामले की तहकीक ते कीती जाए उस तो बाद मैं जेल दे अंदरों बाहर आवां इत्थे बुखारी की हदीस सुनाना चाहांगा रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमांदे ने ऐ जड़ी आपर यूसुफ नु आई सी मैं अगर जेल दे अंदर हुंदा ते फौरन जेल विचों बाहर निकल आंदा लेकिन हौसला अल्लाह दे पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पहले मामले दी तहकीक रिहाई बाद दे अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पैगाम लेके कासिद पहुंचे बादशाह ने औरतां नु अपने कोल बुला ते कहंदे ने कालमा खतबुकुन्ना इजरावतुन्ना यूसुफ अन नफसी कुल गाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू
कालत मरातुल अजीज लाना हस हसल हक अनरावत हो नफसी व इन्नहु लमिन सादिकीन। कुर्बान जावां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां सच्चाइयां ते गवाहियां बयान होण लगियां ने। बादशाह कहण लगे की मामला सी, की माजरा सी? ओ यूसुफ दा मामला दसो ना, जदों तुसी यूसुफ नूं अपनी तरफ मायल करन दी कोशिश कीती, गल की सी? ते सारियां बीबियां कहंदियां ने कुन्ना खाशा लिल्लाही मा अलमना अलैहि मिन सू। बादशाह की पुछने असी तो अंदर बुराई वेखी कोई नहीं, असी तो अंदर कमी वेखी कोई नहीं। ते अतीत मिस्र दी बीवी भी नाल बोल करके कहंदी कालत मरातिल अजीज लान हस हसल हक अनवरा अपनी तरह मायल करन दी, लेकिन यूसुफ ने मेरी गल नहीं मनी। इन्ना लमिना स्वाद की यूसुफ सच्चियां विचों, यूसुफ सच्चियां दे विचों ए। ते बादशाह वा ए वी गल सुन ले, दाली कलिया अलम अन्नी लमा खुन हो बिल गैब व अन अल्लाह ला यगदी कई दल खाइनी। बादशाह तेरी गैर मौजूदगी दे अंदर तेरियां मानतां दे अंदर खयानतां नहीं होईयां। अल्लाहु अकबर। जिहड़ा बंदा अल्लाह ताला फरमांदे ने जिहड़ा बंदा खयानत कर दे अल्लाह उहनां नूं हदायत नहीं दिंदा। कायनात दे लोगो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी गवाही सच्चाई ते और मोहर लग गई है। इधर बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे रिहाई दे इंतजाम कर दिते ने। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਜੇਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਇਹੋ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਸ਼ਤਰੀ ਹਾਜ਼ਲ ਗੁਲਾਮ, ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਜੁਮਲੇ ਕਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਏ ਜਿਹਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਏ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਏ, ਕਿਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਇਨਸਾਨ ਏ, ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਐ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੇ ਖਵਾਲਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਮਜਲਸ ਕੀਤੀ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੰਮਾ ਕੱਲਾਮਾਹੂ ਕਾਲਾ ਇਨਕਾ ਲਯੌਮ ਲਦੈਨਾ ਮਕੀਨੁਨ ਅਮੀਨ। ਯੂਸੁਫ ਕੀ ਪੁੱਛਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਪਾਇਆ ਏ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਫਸਰੀਨ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਨੇ,
चाचे दे पुत्रां कोलो कादा पर्दा, तायां दे पुत्रां कोलो कादा पर्दा, मामे दे पुत्रां कोलो कादा पर्दा, ऐ जनाब मासी दे पुत्रां कोलो कादा पर्दा। अल्लाह हू अकबर। ओ जवानो, मेरी ओ माओ बहनो, अल्लाह दी कसमे, जेड़े जेड़े रिश्ते अल निकाह हो सकदे ना, ओदे तो पर्दा जरूरी है। अल्लाह हू अकबर। ते नौजवानां दी जिम्मेदारी है, अगर किसे दे जिम्मेदारी ओने चाचे ने भतीजे दी जिम्मेदारी लगाई है, ओनू चाहिदा है अपने घर दे अपने चाचे दे घर दीआं अमानतां दे अंदर खयानत ना करे, अपने ताए दे घर दीआं अमानतां दे अंदर खयानत ना करे, अपनी फुफी दे घर दीआं अमानतां दे अंदर खयानत ना करे, अपनी खाला दे घर दीआं अमानतां दे अंदर खयानत ना करे। हज़रत यूसुफ अली अलैहि सलाम दे अमानत दीआं गवाहियां, यूसुफ अली अलैहि सलाम दी अमानतदारी दीआं गरंटियां वक्त दा बादशाह दे रिहा है। कहिंदा इन्ना कल यौमल दैना मकीन उन अमीन, आज मैं मन गया और गारंटियां दे रही हूं। यूसुफ तू अमानतदार है, तेरी अख जंदर हया है, तेरी जिंदगी अमानतदारी वाली है, ते मेरा दिल करता मैं तेन कोई ना कोई ड्यूटी सौंप देव, मैं तेरे जिम्मे कोई ना कोई काम लगा दया। दस यूसुफ केड़ा ओहदा लेना चाहना है, केड़ी वजारत लेना चाहना है। अल्लाह हू अकबर। हजरत यूसुफ फरमाते ने काल जाली खदा अला खजाइन अल अर्ज, कहन लगे इंज करो मैनू वजीरे खजाना बना दियो, क्योंकि आ जिहड़ा ख्वाब आया ना इहदे मामलात नू मैं बेहतर समझ सकना, बेहतर चला सकना। इन्नी अफीज़ुन अलीम, इस मामले दी मैं निगेबानी भी करांगा ते इस मामले तो मैं वाकफ कार भी हां। इहने जनाब हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम नू वजीरे खजाना बना दिता। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने इधर हुकूमत दा चार्ज संभालिया, इधर वजीरे खजाना दा कलमदान संभाले, उधर रहमतां दा नज़ूल शुरू हो गया। वो सात साल खुशक जनाब खुशकशाली वाले, वो सात साल जिन्ना सत्तां सालां दे अंदर फरावानी होनी सी, वो सात साल जिन्ना सत्तां सालां दे अंदर ऐ रहमतां दा नज़ूल होना सी, ज्यादा फसलां होनियां सन, उन्हां दा आगाज हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने बड़े बेहतरीन तरीके नाल पूरे मिस्र दे दौरे कीते, किसानां नूं कहा ज्यादा तो ज्यादा खेती बाड़ी करो। अल्लाह हू अकबर। सात साल गुजर गए, फिर कैद साली दा आगाज हो गया। सात साल जिहड़े ख्वाब दी तबीर दे मुताबिक आने सन, हज़रत यूसुफ ने बड़े सोहणे तरीके नाल सारा निजाम चलाया। जिन्नूं जिन्नी जरूरत पैसे लैके आंदा हज़रत यूसुफ गल्ला दे दिया करदे। हुण दिन गुजरते जा रहे ने, अयाम गुजरते जा रहे ने, ऐ जिहड़ी कैद साली है ना मिस्र तो बाद दे मुल्कां दे अंदर भी पहुंच गई, कनान तक भी पहुंच गई। अल्लाह हू अकबर। गौर करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक दे कुरान पाक नाज़िल करके उन अय्याम दा जिक्र कीता। अल्लाह फरमांदे ने इखवतु यूसुफ वदखनु अलैहि फारफहुम वहुम लहू मुनकिरून। कैद सालियां दियां जनाबे सिलसिले वध गए, दीगर ममालक दे अंदर भी, इधर कनान दे अंदर भी कैद पै गया। शाम तो लोग आए ने मिस्र दे अंदर, गल्ला लैके वापस जा रहे ने। इंज चलदियां चलदियां कनान शहर तो गुजर होया ना, हज़रत यूसुफ यकूब अलैहि सलाम सलाम दे नाल इन्हां लोगां दीआं मुलाकातां होईआं। हज़रत यकूब अलैहि सलाम सलाम नूं हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम सलाम दे मामलात दसे। ओह जिहड़ा मिस्र दा वज़ीरे खजाना है, उते बड़ा नेक इंसान है, गरीबां नाल मुहब्बत करन वाला, अदलो इंसाफ करन वाला। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम सलाम दीआं सिफतां बयान कीतीआं, ते हज़रत यकूब फरमांदे ने जिन्नीआं सिफतां तुसीं दसदे पए होए ते अल्लाह दे नबीआं दे अंदर पाईआं जांदीआं ने। अल्लाह अल्लाह। हज़रत यकूब अलैहि सलाम सलाम ने अपने बेटियां नूं बुलाया, फरमान लगे बेटो जाओ ना मिस्र दे अंदर, मिस्र दा बादशाह
बड़ा नेक दिल बड़ा अच्छा इंसान ओदे कोलो गल्ला लै जा लै जो कुछ जमा पूंजी ते गल्ला लै करके आओ। इधर भरा चलदे चलदे आए कुरान कहंदा वजा इखवा तू यूसुफ फदाखलू अलैहि पारा पगुम। जदों हजरत यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम दे भाई मिस्र दे अंदर पहुंचे ना हजरत यूसुफ नाल मुलाकातां होईयां हजरत यूसुफ ने भरावां नूं पहचान लिया लेकिन भरावां हजरत यूसुफ नूं नहीं पहचानिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम ने बड़ियां खूबसूरत मेहमान नवाजियां कीतियां। इन्हां जिहड़े जमा पूंजी लैके आए सन ओह वी इन्हां दे बोरियां दे अंदर डाल दित्ती ते इन्हां नूं वाफर मिकदार नाल खल्ला भी दे दित्ता ते नाल इन्हां दे हालात भी दरियाफ्त कीते कौन जे कित्थों आए जे किस खानदान नाल तल्लक। इन्हां अपना सारा तारफ कराया कहणगे अच्छा कहिंदे ने असीं 12 भाईआं इक भाई साडा जंगल दे अंदर साडे तों जुदा हो गया एक भरा घर दे अंदर मौजूद है दस असीं इत्थे आए आ बाप साडा बुढ़ा हो गया। हजरत यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम ने बड़े हौसले नाल बड़ी हिम्मत दे नाल इन्हां नूं कहा अच्छा आइंदा साल आना ना दोबारा आना ते अपने छोटे भरा नूं भी नाल लैके आना मैं होर गल्लां दवांगा। याद रखिया जे अगर अपने दूसरे भाई नूं नाल ना लैके आए फिर गल्लां नहीं जे मिलना। हुण चलदियां चलदियां वापस घर पहुंचे ना इंज करके बोरे खोले विचों सारा माल निकलिया ते जमा पूंजी ओ जिहड़े जनाब दिरमो दिनार लैके आए सन ओह भी वापस लैके चले गए। हजरत यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम दे भाई कहंदे ने अब्बा जी जिहड़ा अजीजे मिस्र सी उहने सानू ऐ वेखो कितना नवाजिया कितनी साडी इज्जत कीती है ते इक पैगाम भी दित्ता है दोबारा आना है ते छोटे भरा नूं नाल लैके आना है। हजरत यकूब अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने इह किवें हो सकदा है कि मैं तुहाडे ते हुण इतबार करां इह नहीं हो सकदा मैं तुहाडे ते इतबार कर सकदा मैं बिन्यामीन नूं तुहाडे नाल भेजणा। अबू जी इंज ते सानू माल नहीं मिलना गल्ला नहीं मिलना फरमान लगे एक शर्त ते इजाजत दवांगा तुसी अगर मैनू हलफ दियोगे कसम दियोगे अल्लाह दे नाम दी ते फिर मैं इजाजत दवांगा कसम दे के वादा करके तुर पे। ये कहण लगे अबू जी एक गल सुनो कसम तो बगैर ही अगर साडी गल मान लो असीं अपने भरा दी हिफाजत करांगे ते हजरत यकूब फरमांदे ने उदों भी तुसीं कहा सी इन्ना ला हाफिज़ून असीं अपने भरा दी हिफाजत करन वाले आ ते हुण भी तुसीं ओही गल करदे जे इन्हां दोबारा ओह जुमले दोहराए। हजरत यकूब फरमांदे ने ना पहले कसम दियो हलफ दियो कि मेरे बिन्यामीन नूं बा हिफाजत वापस लै के इन्हां गरंटी दित्ती हजरत बिन्यामीन नूं लै के टुर पै तो जो रहमत कायना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने तो हजरत यकूब ने अपने पुत्रां नूं टोरिया ते फरमांदे ने या बनी अज़हब या बनी ला तदखुलु मिन बाबिम वागिदा वदखुलु मिन नबवाबिम मुतफर्रिका वमा अनकुम मिन अल्लाह मिन शय इन अल हुक्म इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलुल मुतवक्किलून। फरमान लगे बेटा चले जे हजरत यकूब अलैहि सलातो व सलाम दे बेटे माशाल्लाह कद काठ वाले खूबसूरत ते फरमान लगे बेटा जदों मिस्र शहर दे अंदर दाखल होना ते एक दरवाजे विचों नहीं दाखल होना अलग अलग दरवाजियां चो दाखल होना किते नजर ना लग जाए तुहानू नजर ना लग जाए। अल्लाह अल्लाह गौर करिया जे तवज्जो करिया जे नजर लग जाना बरखा के नबी पाक फरमांदे नजर बंदे नूं कबर
कब्र विच पहुंचा देंदी है ते ऊंट नूं हांडी तक पहुंचा देंदी है। नजर पर हक अल्लाह अल्लाह नबी पाक ने इस सलातम सलाम हजरत हसन हुसैन नूं नजर दा दम करिया कर दे। हजरत इब्राहिम अपने पुत्रां नूं नजर दा दम करिया कर दे। अल्लाह नजर पर हक फरमांदे ने या बनी अल्लाह तदखुलु मिन बाबिम वागिदा वदखुलु मिन अबवाबिम मुतफर्रिका। हुण चलदे चलदे मिस्र दे अंदर पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहि सलातम सलाम ने शाही मेहमान नवाजी की अपने भरावां दी। कायनात दे लोगो बिन्यामीन नूं वी नाल लैके पहुंचे ने। इंज करके कायनात दे लोगो हजरत यूसुफ अलैहि सलातम सलाम ने दस्तरखान लगवाए। इंज करके भरा दो दो करके बैठे ने ते हजरत बिन्यामीन कल्ले रह जांदे ने ते रोण लग गए। अखां विचों आंसू आ गए। ताजा जख्म लगा विच सीने ते कीता असर जुदाई। मैं को अज अकेला हुंदा जे हुंदा मेरा भाई। हर कम अंदर वीर प्यारे याद शता बिया होवे कदर मालूम हो तो जद कबरां विच जावण। रोवे बिन्यामीन खलोता ते पेश न जावे काई। दर्द पेराकों हिंजू बरसणे ते बोले भाई भाई। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने बिन्यामीन नूं सीने लाया। फरमांदे ने मैं तेरा तू मेरा भाई ते यूसुफ जान असाई। ओए माई जाया भाई अपना ते समझ असाडे पाई। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने बिन्यामीन नूं नाल लिए। उन्हां दे नाल बैठ के खाना खाया। हुण रात दा टाइम हो गया। अलग अलग कमरियां दे अंदर दो दो भाई चले गए। हजरत बिन्यामीन दियां वारियां आईयां। हजरत यूसुफ ने नाल लै लिए ते अलग कमरे दे अंदर चले गए ने। दोवें भरा इकट्ठे होए ना। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपना तारफ कराया। हजरत बिन्यामीन सीने लगे ने ते जारो कितार रोई जा रहे ने। वीर यूसुफ दस ना तेरे नाल किवें बीतियां तेरे नाल भरावां ने किड़ा किड़ा जुलम कीता। अल्लाह हजरत यूसुफ कहंदे ने बिन्यामीन दस ना बाबा यकूब दा की हाल है। उन्हां दी जिंदगी दे अयाम किवें गुजरदे पै ने। बिन्यामीन फरमांदे ने यूसुफ वीर की पुछने बाबा जी ते रो रो करके अखां दी बिनाई खो बैठे ने तेरियां जुदाइयां दे अंदर। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने भरा नूं तसल्लियां दित्तियां ने। अल्लाह अल्लाह हुण जनाब हजरत बिन्यामीन नूं रोकण दा प्रोग्राम बना लिया ते अपने मुलाजमां नूं हुक्म दे दित्ता ऐ जदों बोरे बंद करने ने विच गल्ला पाणे ते इक बोरे बिन्यामीन दे बोरे दे अंदर इक प्याला डाल देणे। इन्ना प्याला डाल दित्ते इन करके काफला चल पिया है ते बुलाण वालियां बुलाया। अज्जा ना मुअज्जिन नैयत हलाईर इन्नकुम लसारे कुल ने। काफला चलदा चलदा अगे जनाब थोड़ा सफर करके पहुंचे ना ते पिछो बुलाण वाले ने बुलाया। कहन लगे ओ काफरे वालियो तुसी चोरी करके जा रहे जे। अल्लाह दी ते मिस्र दा प्याला चोरी करके जा रहे ते ए परेशान हो गए। कहन लगे साडे अंदर ते चोर है ही कोई नहीं, असी नबियां दी औलाद आ। अल्लाहु अकबर। ला हजरत यूसुफ अलैहि सलाम फरमांदे ने जिदे बोरे दे अंदरों प्याला निकल आया ओदी सजा की होएगी।
ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤੇ ਬੋਰੇ ਜਿੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਨ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਬੋਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਖਦਰ ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਐ ਬੋਰੇ ਜਿੰਦਰੋਂ ਪਿਆਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਅਸਰਕ ਫਕਦ ਸਾਰਾ ਕਾ ਖੁੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਕਬਲ ਅਸਰ ਰਗਾ ਯੂਸੁਫ ਵੀ ਨਫਸੀ ਗੀ ਬਲਮ ਯੁਬ ਦੇ ਹਾਲਹੁਮ ਕਾਲ ਅੰਤੁਮ ਸ਼ਰਨੁਮ ਮਕਾਨਾ ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਤਸਬੂਲ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦਿਨਰੋ ਐ ਪਿਆਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਦ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਕਦ ਸਾਰਾ ਕਾ ਖੁੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਕਬਲ ਇਕੱਲਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੀ ਚੋਰ ਤੇ ਭਰਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਸਰ ਰਾਗਾ ਯੂਸਫ ਵੀ ਨਫਸੀ ਗੀ ਵਲਮ ਯੁਬ ਦੇ ਹਾਲਹੁਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਲੂ ਯਾ ਅਯੂਬਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਨਾ ਲਹੂ ਅਬਨ ਸ਼ੇਖਨ ਕਬੀਰਾ ਫਖੁਜ਼ ਅਹਦਨਾ ਮਕਾਨਾ ਇਨਨਾ ਨਰਾਕ ਮਿਨਲ ਮੁਹਸਨੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੀਤੇ ਮਿਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਏ ਚੋਰੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬੂੜਾ ਏ ਇਨਨਾ ਲਹੂ ਅਬਨ ਸ਼ੇਖਨ ਕਬੀਰਾ ਹਾਏ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਾਪ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬੁੱਢੜਾ ਏ ਇਨਨਾ ਲਹੂ ਅਬਨ ਸ਼ੇਖਨ ਕਬੀਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਬੂੜੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭਰੇਗਾ ਫਲਮ ਮਸਤਈਆ ਸੂ ਮਿਨੂ ਕਲਾ ਸੁਨ ਜੀਆ ਕਾਲਾ ਕਬੀਰ ਗੁਮ ਅਲਮ ਤਾਲਮੂ ਅੰਨਾ ਅਬਾਕੁਮ ਕਦਾ ਖਦਾ ਅਲੈਕੁਮ ਮੌਸਿਕਮ ਨਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਮਿਨ ਕਬਲੁ ਮਾ ਫਰਤੁਮ ਫੀ ਯੂਸਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਐ ਭਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਾਈ ਇਰਜਿਉ ਇਲਾ ਅਬੀਕੁਮ ਫਕਾਲੂ ਯਾ ਅਬਾਨਾ ਇਨ ਅਬਨਕ ਸਰਕ ਵਮਾ ਸ਼ਹੀਦਨਾ ਇਲਾ ਬਿਮਾ ਲਿਲਾ ਵਮਾ ਕੁੰਨਾ ਲਿਲ ਗਾਇਬ ਹਾਫਿਜ਼ੀ
कहन लगे अबू जी तुहाडे पुत्र ने चोरी कर ली ओते भरा नाल ज्यादती की चोरी का नाम लैके इत बाप के जख्म ते नमक छिड़क छिड़क आओ ये भी ते कह सकते सन साडे भाई ने चोरी की ना ना कह लगे इन बना का सरक अबा जी तुहाडे बेटे ने चोरिया कर लिया ने ते नहीं यकीन आंदा ते साडे नाल जेड़े लोग है सुनना कोनो पुछ लो उतो बस्ती वाले अपनों पुछ लो हजरत यकूब नबी गल सुन के कहंदे ने काल बन संवलत लकुम अलफुसकुम मरा वसबरुन जमील असल्लाहु अय्यतियनी बिहिम जमीया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम वतवल्ला وقال يا صبا على يوسف ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم حضرت يعقوب علیہ السلام والسلام فرماندے نو پتر اوے تے تواڈے من دی گھڑی ہوئی گل اے मैं ते सबर करके वखावांगा पा सबरुन जमील पा सबरुन जमील ते नाल ही फरमांदे ने असल्ला गुवैया तियनी बिहिम जमीया मैनू यकीन है मेरा अल्लाह मेरे तिने पुत्र मैनू लुटा देवेगा क्योंकि यूसुफ ते पहले बिछड़ गए बिन्यामीन चोरी दी वड्डा करके रह गए बड़ा बेटा भी मिस्र दे अंदर रह गया ते नाल ही पुत्रां तो मुंह फेर लिया वक्त बेटियां वालों मुंह फेर के कहंदे ने हाय मेरा यूसुफ हाय मेरा यूसुफ अल्लाह दिल मिसकीन नबी दा भरिया गदर फेरा को जले आ दिल मिसकीन नबी का भरिया दर्द फेरा को जले आ दोबारा तेल कमांदा ते मछली वांगू तले आ कुर्बान हबीब खुदा दा शुक्र रबाना की सीने जख्म जदाइया वाला ते कदी न जावे सीता अखा विच सफेदी आई ते छोड़ गई रोशनाई बाहू अकजीम सबर नबी दा ते विच कुरान गवाई उस फिराक यकूब नबी नू ते अगली गद विखाई बिन्यामीन ते यूसुफ राजी ते इधर खबर नकाई हजरत यकूब अली सलातो सलाम रो रहे ने ते फरमांदे ने वतवल्लान गुम वकाला या सबा अला यूसुफ वबयजत इना गुमिनल गुजनी फकुआ कजीम रो रो करके अखां सफेद हो गईया ने अल्लाह अकबर अल्लाह ते पुत्रां हजरत यूसुफ दा नाम सुनया ना बदाए तसलियां देण दे कहंदे ने कालू तल्ला की तबताऊ तद करो यूसुफ हत्ता तकून गरदन नौ तकून मिनल हालेकीन बाबा जी सानू तेंज लगदे यूसुफ कर दे दुनिया तो टुर जाओगे अगर ते यकूब ने पुत्रां दा ताना सुनिया ते रब नाल गला मिला दितिया फरमांदे ने इन्ना मा अशकु अल्लाह
जेको बे औलादी दा बाना दे सजे खपे ना जाया कर रब नु अपने दुखड़े सुनाया कर कोई गुरबत दा ताना दे रब दे दर ते आया कर कोई धियां दे ताने दे ते रब दे दर ते आया कर कोई किराए दे मकाना दे ताने दे ते रब दे दर ते आ ए वेख ना रब दे पैगंबर दे दिल ते जख्म लगे पुत्रां ताना मारे इधर ते यकूब ने काला रब नाल मिला दितियां ने फरमांदे ने इन्ना मा अशकू बसी वहुज़नी लल्ला ऐ वाकिया यूसुफ मेरे तेरे बाप ते बड़ा वड्डा सबक दुनिया तेरे अंदियां बड़े दुखां दा सामना करना पैंदे बड़ियां बड़ियां तकलीफां दा सामना ऐ जुदाई दे सदमे यार मापियां दा दुनिया तो चला जाना बड़ा वड्डा सदमा है भैणा भरावां दा जुदा हो जाना बड़ा वड्डा सदमा है किसे सज्जन यार दा टुर जाना बड़ा वड्डा सदमा है लेकिन वाकिया यूसुफ दसदा है ऐ दुखां दे मौके ते परेशानियां दे मौके ते गमां दे मौके ते इन्ना मा अशकू बसी वहुज़नी इलल्ला गम ते दुख टालन वाला कौन है परेशानियां च बंदे दे हौसले वधाण वाला कौन है अल्लाह अल्लाह दे पैगंबर परेशान ने दुखी ने रब दा दरवाजा खड़का दिता अल्लाहु अकबर ते आज कई साल हो गए ने पुत्र यूसुफ तो जुदा होया उतो बिन्यामीन भी जुदा हो गए वड्डा पुत्र भी जुदा हो गया ते अल्लाह दी कसम अल्लाह ताला ने मां बाप दे दिल दे अंदर औलाद दी मोहब्बत वखरी रखी मां बाप दे दिल दे अंदर औलाद दा प्यार वखरा ही रखे मकसर कहंदा होना हजरत यकूब अलैहि सलाम दे कोल 11 पुत्र सन एक बिछड़ गया सी 11 रल के एक दी कमी पूरे कर सके हर वक्त यूसुफ यूसुफ करदे रहंदे सन मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवां दियां मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवां दियां दुख सारी दुनिया दे झोली विच पांदियां मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवां दियां हजरत यकूब अली सलाम रो रहे ने नाले कह रहे अल्लाह मैं अपने दुखड़े तेरे सामने अपने गम अपनियां परेशानियां तेरे सामने रखना ते नाल ही बेटियां नु कहण लगे पुत्रो मेरी गल सुनो या बली अज़ग़ब फता गस्सा सूमी यूसुफ वाखी वला तैया सुमिर रौ गिल्ला इन्नहु ला यैया सुमिर रौ गिल्ला गी इल्लल कौमुल काफिर मेरे बेटे चले जाओ मिस्र दे अंदर जाके मेरे यूसुफ नु भी तलाश करो ते मेरे दूसरे बेटे नु भी ले करके आओ ते गल याद रखिया जे पुत्रो अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद होना वला तैया सु कई साल हो गए ने हजरत यूसुफ अली सलाम नु बिछड़िया लेकिन रब दे पैगंबर हजरत यकूब ना उम्मीद होए किसी भी परेशानी दे अंदर घिरया गया है किसी भी बीमारी दे अंदर दुख तकलीफ दे अंदर घिरया गया है अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना वला तैया सु मिर रौ गिल्ला इन्ना गुला यही असु मिर रौ गिल्ला गी इल्लल कौमुल काफिर नाले पुत्रां नू कह मेरे पुत्रो जाओ ना हजरत यूसुफ नू भी तलाश करना ते मेरे बिन्यामीन नू भी लै करके आना ते एक नाल खत भी तरीक कर दिता है एक मकतूब लिख के दे दिता है एने करके पुत्र चल दे पहुंचे ना हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम एने करके अज़ीज़े मिस्र ने ते जा करके ओ भरा जड़े धक्के मारन वाले वेचण वाले चंद टकिया देवद हजरत यूसुफ अलैहि सलातुम सलाम नु अपनी अखां तो दूर करन वाले ओ भरा जड़े हकारत दी नजर नाल वेखण वाले अज दिन बदल गए अल्लाह ताला ने उन्हां भरावां नु एडा मजबूर कर दिता है की कहंदे ने या अई
لذیز مسنا واہل نظر و جینا بی بی ذات مزجات و اوفلن الکیل و تصدق علینا و اوفلن الکیل و تصدق علینا و اوفلن الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین حدیث مصر اسی وی تکلیف دے اندر تے ساڈے بیوی بچے وی تکلیف دے اندر نے اے تھوڑی جی جمع پونجی لے کے آیا اے رکھ لے تے چنوں بدلے دے اندر کچھ غلا دے چھڑنا تے نال ساڈے بابا جی نے اک خط وی تیرے نام لکھیا اے تیرا خط وی پڑھ لو نا حضرت یوسف علیہ السلام تو اس نام نے حضرت یعقوب بن کر کے خط پڑھیا نا تے اوتھے لکھیا کی اے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اوچری ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری اللہ اس تو پیچھے بسم اللہ اس تو پیچھے تے لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تے تیرا نام نہ یاد آسانو اول یوسف دل پر جانی تے اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا آیا تے سانو خبر نہ گائی تے جنگلاں تے وچ بگیاڑا کھادا سنے جنگلاں دے وچ بگیاڑا کھادا تے ساڈے دل دا جانی کرتا اس دا خون دا بھریا تے ساڈے کول نشانی تے جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلیا مال تو ساڈا ایک کم بنیامین نکیتا ہے یقین ساڈا بادشاہاں بنیامین تے میریاں تربیتاں والا مینوں یقین ہے میرا بنیامین چوریاں نہیں کر سکدا میرا بنیامین دے کم نہیں کر سکدا اے نظر تے یوسف اپنے باپ یعقوب دی چٹھی پڑھ دے پے نے اکھاں وچوں آنسو بہار نے یار ذرا مندر تصور دے اندر لے کے آنا اس بیٹے دے دل تے کی گزردی ہوئے گی جس بیٹے دے سامنے باپ دا مکتوب ہے تے اُتے لکھیا ہے کہ میرا پتر بھیڑیا کھا گیا ہے پتر خط پڑھدا پیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام دی اکھاں ڈل پیاں مالکاں گن تے اجازت تم دے دے رات کو پردہ اٹھا دیواں حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام نے اینج کر کے خط بند کیتا ہے تے بھراواں وال متوجہ ہوئے تے پتہ کی کہندے نے کالا حل علم تم ما فعلتم بیوسف اے بھراو دسو نا یوسف دے نال کی کیتا
ਕੀਤਾ ਜੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਸਫ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਰਬਾਰ ਐ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਵਜੋ ਕਰ ਲੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਤੇ ਯੂਸਫ ਵੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਤਾ ਯੂਸਫ ਕਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਯੂਸਫ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਅਨਾ ਯੂਸਫ ਵਹਾਦਾ ਅਖੀ ਹਾਂ ਵੀਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਕਾਲਾ ਨਾ ਯੂਸਫ ਵਹਾਦਾ ਅਖੀ ਕਦਮਨ ਅੱਲਾ ਅਲੈਨਾ ਕਦਮਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਨਾ ਇਨਹੁ ਮਯਤਕਿ ਵਯਸਬਰ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਜ਼ੀਉ ਅਜਰਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਯੂਸਫ ਤਖਤੇ ਮਿਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਭਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦਮਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਦਰਦ ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਜ਼ਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਨਬੀ ਵਲੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਨਬੀ ਵਲੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਖਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਜ਼ਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਝੁਕਦਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਝੁਕਦਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਲੀ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਵੇਖਾਂ ਮੂਮਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਓ ਮੂਮਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਓ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਓ ਰਾਣੀਆਂ ਖਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਜ਼ਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦਮਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਨਾ ਇਨਾ ਮਈਅਤ ਕਿ ਵਯਸਬਿਰ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਜ਼ੀਉ ਅਜਰਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਤਕਵੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਬਰ ਦਾ
एक तकवे दा ते दूसरा तकवा दर ते यूसुफ ने अदीजे मिस्र दी बीवी दे मामले दे अंदर और मिस्र दीयां औरतां दे मामले दे अंदर इख्तियार कीता ते बाकी जितने भी मसाइब आए अल्लाह दे पैगंबर हजरत यूसुफ ने सबर दा दामन छड़िया। रात तीन बातां दर ते यूसुफ ने समझाईयां, बंदे नूं इज्जत मिलदी है ते रब दे फजल नाल मिलदी है, ते दूसरी कुछ बंदा नेकियां भी होण ना बंदे दे पल्ले, अल्लाह नेकियां दा अजर भी अता कर छड़दा है। ते हजरत यूसुफ ने तीन बातां दसियां ने, सब तो पहला अल्लाह ने नेमतां दित्तियां ने ना, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करिया करो, ते उस तो बाद अगर तकवे दी दौलत है ते होर इख्तियार करो, अगर सबर दी दौलत है ते होर सबर इख्तियार करो, अल्लाह मजीद अता करेगा। कोशिश ते बड़ी कीती सी कि अज दे जुमे दे अंदर वाकया मुकम्मल हो जांदा, मैं तर्जमा कीता है सिर्फ तफसीर वाल मैं गया नहीं, अगर तफसीर बयान कर दे ते 8-10 जुमे पढ़ाए जाने सन इंशाल्लाह। आइंदे आइंदा जुमा हजरत यूसुफ ते हजरत याकूब दी मुलाकात बयान करांगे और भरावां नाल हजरत यूसुफ दा सलूक इंशाल्लाह बयान करांगे। अल्लाह जो सुनिया सुनाया अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।